किस बात को लेकर? ये यहाँ पे कट का सवाल है, बहुत गांव यहाँ पे लगते हैं, तो भाजू कट ये महत्वपूर्ण कट है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। हाईवे बहुत ऊपर से जा रहा है, बिजली भुगतान का गन्ना भुगतान का बिजली की समस्या ऊपर, जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उसकी समस्या है, ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे उठेंगे यहाँ पे। एमएसपी के सवाल पे पूरे देश में मीटिंगें होगी, किसान को एमएसपी चाहिए। ये तो गन्ने की बेल्ट है, गन्ने का भुगतान नहीं है, भाव कम है, लेकिन दूसरी फसलों पे भी एमएसपी चाहिए। हरियाणा में बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे बहुत किसान नेता बंद है जेलों में। कल पीपली में मीटिंग है 12 तारीख की, तो वहाँ पे भी बहुत लोग उसमें मीटिंग पर जाएंगे। किसानों का आरोप है कि गुज्जर से ठाकुर लड़ा रखा है, आंदोलन जाट बताते हैं, जाटों का आंदोलन है। इनका भारत सरकार का काम है कि आपस में पहले इन्होंने धर्म पर लड़ाई, अब ये जातियों पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो माहिर है इस चीज में कि जातियों में लड़ा दो, इकट्ठा एक जगह आएगा ही नहीं कोई भी, ये किसी जाति को किसी से लड़ा दो। सोरम पंचायत में जब सोरम पंचायत हुई थी, खाप पंचायत, खाप के बाबा भी थे और पूरी किसान नेता थे, काफी जोश खरोश था, लेकिन जब आगे का टाइम रखा गया तो मामला कुछ फूस हो गया। भारत सरकार हर चाल चलेगी, जो पहलवान है, जो खेल कमेटी है, वो अपना निर्णय खुद ले, पूरा देश उनके साथ में है, जो भी निर्णय वे लेंगे हम उनके साथ में। तो क्या रणनीति आगे की? आगे 15 तारीख तक उनको टाइम दिया है सरकार, अगर 15 तारीख तक नहीं कुछ निर्णय होता तो उसके बाद में आंदोलन की शुरुआत करें, हम सब साथ में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।